নবজাতকৰ সৈতে কাৰ্যালয়ত এগৰাকী মাতৃ। 22 দিনীয়া সন্তান আৰু মাতৃ উপস্থিত কাৰ্যালয়ত। উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদৰ মোদী নগৰৰ এগৰাকী IAS বিষয়া সৌম্যা পাণ্ডে। কিহৰ বাবে বিখ্যাত হৈ পৰিছে সৌম্যা পাণ্ডে? ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰা ভিডিঅ' এটিত দেখা গৈছে 22 দিনীয়া সন্তানৰ সৈতে সৌম্যা পাণ্ডেক। মাতৃত্বকালীন ছুটি ত্যাগ কৰি তেওঁ যোগদান কৰিছে নিজৰ কৰ্মস্থলীত। কৰ্মৰ লগতে মাতৃৰ দায়িত্ব পালন কৰাটো কৰ্তব্য বুলি অভিহিত কৰিছে এইগৰাকী IAS বিষয়াই। आप देखें, हमारे भारत में भी एक पूरा ग्रामीण परिवेश जो है उसमें महिलाएं अपनी डिलीवरी के अंतिम दिनों तक काम करती रहती हैं, घरेलू काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं और फिर बच्चे को जन्म देके घर भी संभालती हैं, बच्चा भी पालती हैं। ठीक उसी प्रकार ये एक प्रभु का आशीर्वाद ही है कि मैं अपने 3 हफ्ते की छोटी बच्ची के साथ अपना प्रशासनिक कार्य कर पा रही हूँ और ये सिर्फ मेरा इकलौते का योगदान नहीं है, इसमें मेरे परिवार का बहुत योगदान है। जैसे बच्ची के जो नानी नाना है, मेरा पूरा एक संयुक्त परिवार है। इसी में कहते हैं कि संयुक्त परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि परिवार के लोग बच्चे को जितना प्यार दे देते हैं तो आप अपना काम देख सकते हैं। और ना केवल मेरा निजी परिवार, हमारा भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है, तो मेरा जो तहसील परिवार है, मेरा जो पूरा ये गाजियाबाद का एक जिला प्रशासन परिवार है, इसमें बहुत सहयोग मिला मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद भी। पूरा तहसील प्रशासन, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसील के समस्त लेखपाल और समस्त स्टाफ, इन्होंने जी जान से मेहनत की और मेरा काफी कार्य संभाला और काफी टीम वर्क का एक उदाहरण दिया। সৌম্যা পাণ্ডে কাৰ্যালয় যোগদান কাৰ্যক প্ৰশংসা কৰিছে বহুতে। আনহাতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰা ভিডিঅ'টোত একাংশই সমালোচনা কৰিছে সৌম্যা পাণ্ডেক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।